प्रिय चिकित्सकगण, छात्र, ट्रेनी स्टूडेंट, अनुभवी डॉक्टर्स, रिसर्चर्स एंड वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स, आज हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद। आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियां हैं जो जनमानस के अंतर मन में बैठी हुई हैं और सदियों से चली आ रही हैं। उनमें से एक औषधि है, इसका नाम है सितोपलादि चूर्ण। इसका नाम है सितोपलादि चूर्ण। यह औषधि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, गले की खराश को ठीक करती है, खांसी में फायदा करती है, दमा ठीक करती है, पुराने बुखार ठीक करती है, मंदा में जिसमें भूख कम लगता है उसमें उपयोगी होती है, सर्दी में लाभ करती है, सूखी खांसी हो या गीली खांसी, जुखाम, कफ, पेट संबंधी रोग, साइनोसाइटिस, ब्रंकाइटिस, गले में खराश, बुखार, अस्थमा, बदन दर्द, टाइफाइड फीवर एंड मलेरिया फीवर इसमें काम करती है। इसका विवरण आयुर्वेद में चरक संहिता के एक अध्याय राज यक्ष्मा अध्याय के अंतर्गत मिलता है। इसके अलावा सारंगधर संहिता, योगराज रत्नाकर और भैषज रत्नावली में भी सितोपलादि का चूर्ण के बारे में जानकारी मिलती है। मिश्री को सितोपला कहते हैं, मिश्री को सितोपला कहते हैं और इसके साथ चार पांच औषधियां मिल जाती हैं तो उसमें आदि सब जुड़ जाता है और इसी नाम पर इसका नाम पड़ा है सितोपलादि चूर्ण। इसमें चार पांच चीज़ें होती हैं। एक होता है दालचीनी, एक पेड़ होता है, इसकी पत्तियां, इसकी छाल, इसको रखा जाता है एक भाग। दूसरा भाग होता है छोटी इलायची के बीज का, जो इसका दूना होता है इसमें, तो इसे पीस करके इसके करते हैं दो भाग। तीसरी एक पिपली, जिसको पीपर के नाम से जानते हैं, छोटी सी काली काली होती है, ये औषधि इसके डालते हैं चार भाग। और एक बंस लोचन, बांसों की गांठों के बीच में एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, इसे आयुर्वेद में बंस लोचन कहते हैं। तो बंस लोचन जो है ये श्वास, खांसी, कफ आदि के विकारों को ठीक करता है, तो इसको डालते हैं आठ भाग। एक भाग दालचीनी, दो भाग छोटी इलायची, चार भाग पिपली और आठ भाग पंच लोचन और सोलह भाग मिश्री। तो इस प्रकार से पूरा घटक बन जाता है और ये अनेकों रोगों को ठीक करता है। हमारी एक वेबसाइट है जिसे www.saimissionorg नाम से वेबसाइट है, इसे देखें। इसके अंदर 15 से 20 हेडिंग हैं, हर हेडिंग में तीन चार पन्ने हैं, एक एक शब्द देखें। आपके यहाँ इंटरनेट सुविधा नहीं है तो सिटी चले जाएं किसी कंप्यूटर की दुकान में, वहाँ जाके देख लें और पूरी वेबसाइट की फोटो कॉपीज के पन्ने ले लें और ला करके घर आएँ, उसे पढ़ें। संस्था का प्रॉस्पेक्टस मंगाने के लिए आप हमारे इन फोन नंबर्स पर अपना नाम पता या व्हाट्सएप पर नाम पता भेज दें, हम रजिस्ट्री से आपके यहाँ एक निःशुल्क नियमावली भिजवाएंगे। इसका कोई मूल्य नहीं है। हमारे फोन नंबर्स हैं 9336-850-868, सेकंड नंबर 8756-465631 एंड तीसरा नंबर है 9336-104-146। कृपया नोट करें, बिना प्रॉस्पेक्टस देखे या बिना वेबसाइट देखे किसी भी चिकित्सक बंधु से कोई वार्ता नहीं की जाती है। हमारा एक चैनल है यूट्यूब में तात्या साई चैनल, गूगल सर्च में या यूट्यूब में लिखें तात्या साई चैनल और क्लिक करें तो लगभग
अब 400 एपिसोड हो गए हैं जो मेडिकल के विभिन्न विषयों पर हैं, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, हाइजीन, जनरल साइंस, मेडिकल से रिलेटेड अदर सब्जेक्ट, द यूजेज ऑफ एपरेटस, यूजेज ऑफ थर्मामीटर, यूज ऑफ स्टेथोस्कोप, अबाउट ब्लड प्रेशर मशीन, अबाउट माइक्रोस्कोप एंड नेबुलाइजर मशीन, सो दे आर सो मैनी एपिसोड एंड इन मॉडर्न मेडिसिन फॉर बेसिक ट्रीटमेंट देर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ 150 मेडिसिन वी प्रोवाइड CMS डिप्लोमा टू द उन डॉक्टर्स को जो अनुभव बेस पर पिछले 10-15-20 सालों से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं। इसके अलावा एपिसोड में एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, अल्टरनेटिव नेचुरोपैथी, योगा, होम रेमिडीज, हर्बल मेडिसिन, सब विभिन्न विषयों पर एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर पर अनेकों एपिसोड पड़े हैं। इनको देखें, अपने ज्ञान का वर्धन करें, ज्ञान को रिवाइज करें। इसके अलावा संस्था वर्ष 1987 से सत्यता और ईमानदारी के साथ कार्य करती चली आ रही है, तो इसमें नेचुरोपैथी, योगा में डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं, एलोपैथी में CMS, नेचुरोपैथी में DNYS, BMS नेचुरोपैथी और योगा में योगा से संबंधित कोर्स। इनको करें और परीक्षा देकर पास होकर प्राथमिक पीड़ित मानवता की प्राथमिक चिकित्सा में समाज को सेवा दें, समाज में सम्मान पाए। एक बार पुनः शीतोपराज चूर्ण के बारे में जनरल जानकारी, यह औषधि आयुर्वेद की है। अनेकों ऐसी औषधियाँ हैं आयुर्वेद में जो जन जन मानस की गहराई तक घुसी हुई हैं। चरक संहिता का में एक वो पाठ्यक्रम है राज यक्ष्मा अध्याय, इसके अंतर्गत शीतोपराज चूर्ण के का विवरण मिलता है। सारंगधर संहिता में, योग रत्नाकर में और भैषज रत्नावली में भी शीतोपराज के बारे में जानकारी दी गई है। ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, काश रोधक है, खांसी, दमा, पुराने बुखार, मंदाग्नि, सर्दी जुकाम, खांसी, सूखी खांसी, गीली खांसी, कफ, पेट संबंधी रोग, साइनोसाइटिस, ब्रंकाइटिस, बुखार, अस्थमा, बदन दर्द, टाइफाइड और मलेरिया जैसे रोगों को इसमें ठीक होता है। इसमें 4-5 औषधियाँ होती हैं। मिश्री का दूसरा नाम शीतोपला है संस्कृत में और इसमें 4-5 औषधियाँ मिली हैं, तो इसी में आदि जोड़ दिया गया और शीतोपलादि चूर्ण बनाया गया। जो शास्त्रोक्त विधि से इसमें 1 भाग दालचीनी होती है, 2 भाग छोटी इलायची होती है, 4 भाग टीपर या पिपली होती है, 8 भाग वंशलोचन होता है और 16 भाग मिश्री होती है। सबको मिला करके जो चूर्ण बनाया जाता है, ये खांसी जुकाम बुखार खांस अनेकों मर्जों को ठीक करता है। इसे शहद में मिला करके 1 से 2 ग्राम दिन में 3 बार खाते हैं, तो इस प्रकार से अनेकों बीमारियों में ये शीतोपराज चूर्ण काम करता है। अगली चर्चा किसी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।